लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पांडे ने तो इन चारों को दकैत बताया, लेकिन इनके साथ आपका नाम नहीं जोड़ा। हाँ, हमने भी नोटिस किया इसे। जितना हम इस थानेदार को जानते हैं, इसमें जरूर इसका कोई पैंतरा होगा। खैर, समय आएगा तो समझ लेंगे। भाई, तुम तो आते ही खबर बन गए शहर की, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। हाजमोला? नो सर। अरे, हाजमे के लिए अच्छी होती है और चटपटी भी होती है। मैं तो दिन भर में बोतल उड़ा देता हूँ। और उसे हजम करने के लिए एक और बोतल। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोनों शूटर बच्चा भैया के आदमी थे? जी सर। और उन्होंने शिव बालक का मर्डर किया? जी। ये बात तुमने मीडिया को क्यों नहीं बताई? सर, रिजल्ट नहीं निकलता, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते, कार्रवाई ही चलती रहती। बच्चा भैया जैसे टुच्चों को जेल में ठूसते ठूसते दमदार कानून का दम निकल जाता है। बात तो 100% सही है, हमारा भी ये एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चा भैया जैसे लोगों पर दबाव तो बना रहना चाहिए। कार्रवाई होगी सर, लेकिन कार्रवाई हमारे तरीके से होगी, जैसे आप कहते हैं ना, दबाव बना रहना चाहिए। सर। आओ रबड़ी गिलाते। ये बनारसी है मैडम, ये लाल वाली। किसी खेत में घुसा है क्या? नहीं सर, ये मेन चौराहा है। इनक्रेडिबल इंडिया। हाँ। पता लगाओ यहाँ के एमएलए कौन है। जी सर। हमारी पत्नी इंतजार कर रही है। सर, भाई साहब जी उधार देंगे साइकिल? थैंक यू जी। सर, साइकिल चला रहे हैं। माता, कब से इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, पुलिस की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, अभी आने में देर हो गई। गौ माता सड़क के बीच में विश्राम कर रही थी, आ गए। कर लो जितनी शॉपिंग करनी, लूट पता लो जितनी मचानी है, इधर हैं, खड़े हैं हम। क्या हुआ? आज रात को फिर नींद नहीं आई? निर्मला के सपने ने परेशान किया क्या? भैया, आप भी ये समझते हैं कि निर्मला की याद हमको सताती है? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा। हम तुमसे एक पहेली पूछेंगे, उसका सही जवाब दोगे तो माने। ठीक है। फत्ते सिंह और बन्ने डोडी। कौन कौन? बन्ने डोडी और फत्ते सिंह। ना, फत्ते सिंह, बन्ने डोडी और तुम गए जंगल में शिकार करने। क्या करने? शिकार करने। फत्ते सिंह को शेर खा गया, बन्ने डोडी तूफान की चपेट में आ गए, जंगल में दो का काम हो गया, बचावा एक जंगल से लौटाया। अब तुम बताओ, जंगल से वापस कौन लौटा? जंगल। जंगल से कौन लौटा? पहली थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा, सोच के बताओ। जंगल से कौन लौटा? भैया, बड़ा मुश्किल सवाल पूछे। पापा, हाँ बताइए ना, जंगल से कौन लौटा? हाँ। यार, बड़ा अजीब सवाल है। एक को शेर खा गया, एक तूफान की चपेट में आ गया, तो फिर जंगल से कौन लौटा? हाँ? तो कौन लौटा जंगल से? अरे चुलबुल ने तुमसे ये पहेली पूछी है, हम इसका जवाब क्यों दें? मत बताइए, हम खुद ही सोच लेंगे। एक थे कालिदास, एक थे देवदास, और ये तीसरे हैं मक्खीदास। गेट खोल। अबे बच्चा भैया, गाड़ी है, गेट खोल। 40 रुपया लगेगा, टिकट कटेगा। अबे दिमाग खराब है। अबे बोल रहा, खिलाओ ना, ऐसा गोली मार के गया। हेलो, बजरिया थाना। सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई सर। अब
मिस्टेक से भी गलती नहीं होगा, माफ कर दीजिए हमको साहब। अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? विद्वान कह गए इट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। कल इनकी जमानत हो जाएगी, छूट जाएंगे सर। Who believe in hinsa? I know sir. तिवारी जी believe in hinsa sir. ये लीजिए तिवारी जी। Thank you sir. सर ये बताइए, इसके पिछवाड़े को बंदर के पिछवाड़े की तरह रेड रोज बनाना या भैंस के पिछवाड़े की तरह ब्लैक रोज? तिवारी जी 50-50 कॉकटेल सर, बहुत ही मजा आएगा सर। नहीं तो सर वो पुराना वाला बिटवीन टू लेग्स तड़तड़ा के एकदम सर। क्या लगता है चौबे जी? ब्यूटीफुल बिटवीन टू लेग्स बेटर सर। बेटर सर, जाइए सब बता दूंगा सर। चौबे जी। जी सर। लगता है बच्चे का काम हो गया, इसके लिए बिरयानी मंगाओ और कार्रवाई शुरू करो। रोको रोको, लाइट पे लगाओ, लाइट पे। अरे बुलबा ध्यान दे। हाँ बोल। तभी चालान काटो। ए ये क्या चल रहा है बे? बोटियां फेंकने का माहौल काहे बना रहे हो? बोटियां तो हम वैसे भी फेंकते हैं। ये लो, पहुंचा दो अपने थानेदार तक। ये नोट फेंकने का शौक कोठी से लगाया का? सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतर आए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या करें पांडे सर, पुलिस वालों को ऐसे ही हैंडल करने की आदत है ना। आदत बहुत पुरानी है, ससुरी जाएगी नहीं। अच्छा होगा अगर आप भी यही आदत डाल लें। वैसे नाम चुन्नी है हमरा, चुन्नी। अरे चुन्नी से मैं याद आया, चौबे जी। जी सर। ये चुन्नी नाम मर्दाना है या जनाना? सर जनाना। जनाना, तो फिर ये मर्दों जैसी एक्टिंग क्यों कर रहा है? इसे कहिए कि जाए किसी का घर बसाए और उसे बाप बनने का सुख दे। थैंक यू सर। थैंक यू चुन्नी। और अब हमारे बजरिया थाने के नए थानाध्यक्ष श्री चुलबुल पांडे जी आपसे कुछ कहेंगे। चौबे जी। जी सर। लाइए। ये लीजिए। ये तुच्छ सी भेंट हमारे पुलिस वालों के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चौबे जी की ओर से, ये रखिए। शुक्रिया, शुक्रिया। बच्चा भैया जिंदाबाद, बच्चा भैया जिंदाबाद, बच्चा भैया जिंदाबाद। आपका प्यार और जोश देखकर मन भर गया है हमारा। हम ये समझ लिए हैं कि इस इलेक्शन में हमें जितवाकर आप हमें सेवा का मौका दे रहे हैं। हम लंबी उम्र जीना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए। बच्चा भैया जिंदाबाद। एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है सर, वो वहां पर खड़ा होकर जनता की सेवा की बातें कर रहा है और यहां उसके गुंडे लोगों को डरा धमका कर वोट वसूल रहे हैं। यानी नेता जी नेतागिरी के सारे गुणों में संपन्न है। क्या कहते हो चौबे जी, कंट्री का क्या होगा? कंट्री और डेथबेड सर, ऑल किडनी फेल सर। कंट्री ऑन डेथबेड सर, ऑल किडनी फेल सर। बच्चा भैया जिंदाबाद। नहीं चौबे जी, हम जैसे लोग भी तो हैं जो कंट्री को ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहे हैं। जी सर। हमारे बीच हमारे पार्टी अध्यक्ष अवध नारायण जी हैं, वो लीजिए सर। धन्यवाद चौबे जी। अवध नारायण जिंदाबाद। ये मरहूम कौन है? भाइयों और बहनों, ये पुराना पापी है सर, गुंडों को नेतागिरी के लाइसेंस बांटता है। बच्चा भैया का गुरु है ये। आप सब पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। ए, बैठो। ओए, जरा। माँ बच्चों की इज्जत नहीं कर सकते, कम से कम खादी की तो इज्जत कर दिया करो। भैया वो है चुलबुल पांडे, बहुत चर्बी है साले को, वो तो देखते ही समझ गया उसको। इससे पहले भी चार थानेदार से टकरा चुके हैं हम इन जैसों का इलाज जानते हैं। जल्दी एक अच्छी से मुलाकात करते हैं इनसे।
आइए आइए सर। अरे भाई, आज की जनरेशन क्या खाएगी? हमें आज भी डिनर के बाद 12 रसगुल्ले लगते हैं। डॉक्टर ने कहा माथू जरा कंट्रोल करो ना फट जाओगे। हमने कहा चलो तुम्हारी भी सुन लेते, अब सिर्फ 11 खाते। वाह क्या कंट्रोल है सर। ये क्या लिखे जा रहा है भैया जी? एसपी माथुर और चुलबुल पांडे दोनों आ रहे हैं। बच्चा भैया, ले आए आपके खास मेहमान चुलबुल पांडे जी को। अरे ओ रामधनी, जरा देखना उस रामपुर की पार्टी के कागज वकील तक पहुंचे या नहीं। अगर ज्यादा नाटक करे ना तो 4 आदमी लेके घर में घुस जाना और लगा देना घोड़ा साले के काम पे। पांडे जी ये है बच्चा भैया। छोड़िए एसपी साहब, नाम बोल दिया बस, आगे खुद समझ जाएंगे कि हम क्या हैं। नए नए आए हैं, थोड़ा वक्त दीजिए। देखो सर, ऐसा है कि उठे पर जाने से पहले हम नचनिया के बारे में जान लेते हैं कि उसकी चितवन क्या है, उसकी थिरकन क्या है। आपका पूरा नाम है ठाकुर बच्चा लाल। आपके अलावा आपके पिताजी ने 2 गलतियां और की, चुन्नी और गेंदा। इस शहर में आपने जूस निकालने से शुरुआत की थी, आज आप शहर का तेल निकाल रहे हैं। आपके पिताजी श्री केसरी लाल जी डेंगू से मर गए और आपकी माँ उसकी खुशी में। बालों में आप तेल डालते हैं चमेली का, नहाते हैं लाइफ बॉय पर्सनल से, दांतों में लाल दंत मंजन और अंडरवेयर पहनते हैं यंग इंडिया 90 नंबर। इसके आगे की जानकारी जरा सीक्रेट है, ना आप सुन पाएंगे ना हम कह पाएंगे। क्यों बे, मरा नहीं? बच्चा है, बच्चा भैया। वो छोटा सा जानवर कौन सा है जिसे हड्डी फेंकते हैं? कुत्ता। और वो बड़ा सा जानवर? हाथी। चतुराई किसमें है? दुम निकाल ले वरना छेद कर देंगे। क्या हो जाओगे कंफ्यूज? कैसे कि सांस कहां?